हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 8th मेथड मतलब लास्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा था 7th मेथड में, जिसमें हमने देखा था कि इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट की है, इस फॉर्मेट की मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, जैसी दिख रही है, जैसे ये दिख रही है एम डी एक्स, ये माइनस साइन के साथ एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो जैसी दिख रही है, तो उस केस में वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में मानी जाएगी अगर अगर डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल आ जाएं दोनों के दोनों आपस में, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में मानी जाएगी और उसको सॉल्व करने का मेथड भी हमने सीखा था। लेकिन अगर दोनों इक्वल ना आए तो फिर हम मेथड सीख रहे हैं रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उस केस में क्या करना है। तो उस केस में 5 मेथड्स हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम कर रहे हैं हमें, 5 अलग अलग फॉर्मेट्स हैं मतलब 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं, और उसमें क्या करना है, हमेशा IF निकालना है सबसे पहले क्वेश्चन देख करके, अगर इक्वल ना आए तो पहला फॉर्मेट क्या है, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें पावर्स इक्वल हों, पावर्स इक्वल हों मतलब जैसे ये 2+1 power 3 power ये हो गई, 1 और 2 3 power ये हो गई, केवल वेरिएबल की पावर देखनी है, 3 power ये है ही, 2+1 3 power ये है, सब में 3 power है, तो ये होमोजीनियस फॉर्मेट की है। तो होमोजीनियस है इसका मतलब IF आप ये निकालोगे 1 upon mx + ny, m और n क्वेश्चन में है ही, m और n क्वेश्चन में है, तो mx plus ny करके 1 upon कर लोगे, वो IF आ जाएगा। IF जब आपके पास आ जाएगा, सब में IF निकालेंगे, बस IF का फॉर्मूला चेंज है, अलग अलग सिचुएशन में IF अलग अलग आते हैं। IF आने के बाद काम फिक्स है, सभी में सेम काम करना है। IF आने के बाद आप उसको जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पूरी लाइन से मल्टीप्लाई कर दो, IF को लाइन से मल्टीप्लाई करते ही वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में आ जाएगी अपने आप ही। उसके बाद जो नया m और नया n बनेगा, उसके लिए आप जब ये दोनों चीजें निकालोगे तो वो हमेशा इक्वल आएगी, भले ही आप निकाल के देखो, भले ही नहीं निकाल करके डायरेक्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ा लो। तो ये तरीका रहेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करने का, हमेशा 5 फॉर्मेट्स में ही। हमेशा हम क्या करेंगे, फॉर्मेट चेक करेंगे किस तरह का दिख रहा है, जैसे ये होमोजीनियस दिख रहा है, किसी में क्या फॉर्मेट है, किसी में क्या, किस तरह का दिखना चाहिए, तो जिस तरह का दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग IF का फॉर्मूला लगेगा। IF का फॉर्मूला लग गया, IF आपके पास आ गया, IF आते ही पूरी लाइन में IF से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी लाइन में IF से मल्टीप्लाई करते ही नए m और नए n आपको मिल जाएंगे, और वो हमेशा मतलब उसमें ये दोनों इक्वल आएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। और उसके बाद तो 2 फॉर्मूलेज हैं सिंपल, वो अप्लाई करके आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह उसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये इक्वल नहीं है या इक्वली है। इक्वली है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो एग्जैक्ट फॉर्मेट में है ही। पहले चेक कर लेते हैं एक बार, m हमारे पास क्या है, m तो ये है, सीधा सीधा ये m है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल करना है y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y का डिफरेंशियल 1 माइनस, और इधर y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4xy, ये x स्क्वायर माइनस 4xy हो गया। n का पार्शियल डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में, n क्या है, ये साइन के साथ ही लेना है n, ये n होता है यहां पर, ये m होता है, और माइनस बाहर है तो मैं माइनस बाहर ही ले लेता हूं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये माइनस साइन, इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 6xy हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे माइनस साइन के साथ, तो माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 6xy, ये दोनों बिल्कुल इक्वल दिख नहीं रहे हैं, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में अभी तो नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, देयरफोर ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग, देयरफोर इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये
होमोजेनियस फॉर्मेट का है, होमोजेनियस फॉर्मेट का है तो हम आई एफ का फॉर्मूला लगाएंगे। आई एफ होगा हमारे पास वन अपॉन एम एक्स प्लस में एन वाई। चेक करते हैं कितना बन रहा है ये, तो वन अपॉन एम एक्स, एम ये है ही जो भी है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस में एन वाई। एन ये रहा तो साइन के साथ ही उठाना है तो माइनस ही आएगा यहाँ, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इंटू में, इंटू में आएगा यहाँ पर वाई, ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, वही आई एफ है, तो वन अपॉन अंदर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई और माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस होगा तो यहां पर बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर टू आ गई। आई एफ से पूरी लाइन को मल्टीप्लाई कर दो, आप लिखोगे, मैं यहां कर देता हूं, इक्वेशन वन इंटू आई एफ करना है अपने को, इक्वेशन वन इंटू आई एफ करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस, पहले मैं रख लेता हूं एक बार, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और इसको आई एफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइड में ही आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां आ जाएगा क्योंकि वन अपॉन में है। ठीक है, अब अंदर थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा, मतलब डिवाइड कर लो, अलग अलग डिवाइड दे दो इसको, ये बनेगा वन अपॉन वाई माइनस टू और एक एक्स नीचे बचेगा टू अपॉन एक्स और ये डी एक्स माइनस, इधर डिवाइड दोगे तो एक एक्स ऊपर बचेगा नीचे वाई स्क्वायर रहेगा माइनस थ्री ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई नीचे बचेगा और ये हो गया डी वाई इक्वल में हो गया जीरो। एक काम और कर लो, इस माइनस को एडजस्ट कर लो अंदर ही, फालतू माइनस बाहर रहता है तो कन्फ्यूजन रहता है, ये टू अपॉन एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया और ये प्लस कर लो थ्री अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस को अंदर एडजस्ट कर लिया, ये डी वाई। अब जो आएगा फाइनल वो हमेशा ही फॉर्मेट में ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस फॉर्मेट में तो आपको चेक करके बता देता हूँ, आगे के फॉर्मेट्स में मैं चेक करके नहीं बताऊंगा, सीधा इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दूंगा। इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन है कि फॉर्मेट में आता है कि नहीं आता है, आपको भी थोड़ा यकीन हो जाए। ये अब हमारे आगे के पूरे पोर्शन के लिए ये एम है और ये हमारे लिए एन का काम करेगा, वो सब एम एन भूल जाओ, ये हो गए एम एन अब अपने। ठीक है, तो यहां से सबसे पहला काम आप डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लो और फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लो, ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे किस तरह से, क्या आएगा देखो जरा, वाई के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल करेंगे तो वन अपॉन वाई का माइनस का वन अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें, मैं इसको इधर कर देता हूँ। और डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर आप निकाल रहे हो तो ये तो जीरो, माइनस वन हो गया, वन अपॉन वाई स्क्वायर दोनों इक्वल आ गए, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इक्वेशन टू जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गई। तो रिड्यूस कर लिया हमने इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया उसको। अब आ गया काम सिंपल, वो जो फॉर्मुलेस थे हमारे वो अप्लाई करते हैं, तो मैं एक बार ये हटा देता हूं और यहां आगे का आंसर लिख रहा हूं। देखो देखो आंसर निकालते हैं हम लोग, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है चेक करने वाला, वो हमने कर लिया। दूसरा स्टेप हमने सीखा था कि एम डी एक्स इंटीग्रेशन, ये निकालते हैं टेकिंग वाई कॉन्स्टेंट, वाई को कॉन्स्टेंट की तरह मान करके। तो एम क्या है, ये वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स, तो ये आएगा वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स और ये डी एक्स, वाई को कॉन्स्टेंट मानना है तो वन अपॉन वाई तो बाहर हो गया, ये डी एक्स हो गया और टू बाहर वन अपॉन एक्स डी एक्स हो गया, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका,
एक्स अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, ये लॉग एक्स। इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 3, एम डी एक्स हमने निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद दूसरा टर्म होता है एन माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई, इसका इंटीग्रेशन एम डी एक्स का, और ये जो भी टर्म आएगी उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन किया जाएगा, इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन होगा वाई के रेस्पेक्ट में। ये दूसरी चीज हमें निकालनी होती है और फिर दोनों को जोड़ना होता है, लास्ट में ये काम करना होता है। तो क्या आंसर आएगा इसका, एन, एन का मतलब ये 3 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और माइनस में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो इसका वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स तो एज इट इज रहेगा 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, और वाई के रेस्पेक्ट में ये जीरो हो गया, और ये हमारा इंटीग्रेशन होगा वाई के रेस्पेक्ट में। मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट करते थे हमें कि जो भी x की टर्म्स होंगी वो 110% कटेंगी ही, तो यहाँ पर x की ये टर्म है ये कट ही रही है, हमेशा कटेगी, y के रिस्पेक्ट में करेंगे y बचेगा यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा 3 और 1 अपॉन y का log y, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। 3 और 4 को जोड़ करके कांस्टेंट c के बराबर कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो या 2 बोल दो, दोनों एक ही इक्वेशंस थी, जो 1 हमने क्वेश्चन में लिखी थी वो, या फिर ये कह लो एलसीएम लोगे तो वहीं पहुंच जाओगे वापस से, दोनों सेम बातें हैं, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, ये प्लस ये इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आएगा एक्स अपॉन में वाई माइनस में 2 लॉग एक्स प्लस में 3 लॉग वाई और इक्वल में कांस्टेंट सी, ये हमारा फाइनल आंसर आया। पहला फॉर्मेट होमोजीनियस वाला कंप्लीट, सेकेंड फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए सेकेंड फॉर्मेट है, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज इन द फॉर्म दिस, देन आई एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। किस फॉर्मेट की बात चल रही है, फॉर्मेट ये है कि देखो एक तो वाई डी एक्स दिखे और फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिखे इधर, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिखे इधर एक्स डी वाई के साथ में, दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे लेकिन एक्स वाई के फंक्शन होंगे। एक्स वाई का फंक्शन, एक्स वाई का फंक्शन होने का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब यह है, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स होता है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक्स का फंक्शन है कोई, ठीक है, या फिर हम कह दें कि साइन एक्स, ये एक्स का फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई साथ ही रहेंगे, जैसे इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 2 और एक्स वाई प्लस 5, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हुआ, या फिर दूसरे वाले केस की बात करूं मैं तो ये साइन एक्स वाई, इस तरह की चीज। फंक्शन ऑफ एक्स वाई का ये मतलब है कि जहां रहेंगे एक्स वाई साथ में दिखेंगे आपको, एक्स वाई का ही फंक्शन होगा वो, एक्स वाई एक टर्म हो गई एक तरीके से उसके लिए, ठीक है। तो अब पहले वो चेक करते हैं हम कि ये फॉर्मेट में है कि नहीं है, एग्जैक्ट वाले फॉर्मेट में, तो उसके लिए तो ये वाला टर्म तो हो जाता है एम, और दूसरा वाला टर्म होता है n, क्योंकि क्वेश्चन देख करके तो आपको थोड़ी बताएगा वो कि रिड्यूसिबल फॉर्मेट से करना है या नॉर्मल एग्जैक्ट से करना है, वो तो आपको पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट में डायरेक्ट है या हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला काम तो वही करना है हमें, डेल m अपॉन डेल y निकालना है और डेल n अपॉन डेल x निकालना है। तो डेल m अपॉन डेल y कितना आएगा, यहां से y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 2xy, और इसका करोगे तो 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेम ऐसे ही डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर आप निकालते हो तो वो आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 2xy और माइनस में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में तो नहीं है, वो लाइन में लिख नहीं रहा हूं अभी, दिख रहा है साफ साफ अपने को। अब बात यह है कि इस फॉर्मेट में है क्या, इस फॉर्मेट का मतलब है वाई डी एक्स पहले तो दिखना चाहिए आपको और एक्स डी वाई दिखना चाहिए, केवल डी एक्स डी वाई नहीं, वाई डी एक्स। वाई डी एक्स का मतलब पहले यहां से वाई कॉमन लो। तो इक्वेशन नंबर 1 को आगे बढ़ाते हुए मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में हम कॉमन ले रहे हैं वाई, तो ये एक्स वाई तो यहां बचा, यहां पर बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां आ गया वाई डी एक्स प्लस में, यहां से एक्स कॉमन ले लो, एक्स डी वाई चाहिए,
एक्स कॉमन लोगे तो बन जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में एक्स डी वाई और इक्वल में जीरो। ये एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो आप, ये एक्स वाई का ही फंक्शन है, एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया, और ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये हो गया, ठीक है। दोनों फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो अब यहां पर आप ये कह सकते हो कि आई एफ आएगा हमारा वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, तो वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई के हिसाब से वन अपॉन एम ये रहा एक्स वाई स्क्वायर प्लस में टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू में एक्स माइनस एन वो रहा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू में वाई, ये आ गया। अब इसके आगे मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर के बच रहा है फाइनली एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वेशन नंबर टू, ये बच गया हमारा, ठीक है। आई एफ हमारे पास आ गया है, आई एफ से इसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन वन को, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ये दोनों टर्म्स उसमें चेक करने की नीड नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें, हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे। तो इक्वेशन वन से मल्टीप्लाई कर लो आप, इक्वेशन नंबर वन इंटू में आई एफ करोगे तो क्या बनेगा, देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और ये डी एक्स है प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई है और इक्वल में जीरो है। आई एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब वाई क्यूब है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ भी एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अगर इसको अलग अलग डिवाइड दे दें तो क्या बन रहा है ये फाइनली, ये बन रहा है इसके नीचे डिवाइड देने पर तो बनेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस नहीं प्लस टू अपॉन वाई क्यूब कट जाएगा, एक्स बचेगा केवल इंटू में डी एक्स प्लस में इधर बचेगा हमारे पास में वन अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर, एक एक्स नीचे बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा माइनस में एक्स क्यूब गया वन अपॉन वाई और ये डी वाई और इक्वल में जीरो। इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन थ्री इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर दिस इज एम एंड दिस इज एन, तो हम आगे बढ़ जाएंगे उससे, ठीक है। ये हटाता हूँ मैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है एम डी एक्स इंटीग्रेशन टेकिंग वाई कॉन्स्टेंट, तो वैल्यू क्या आएगी, ये रहा एम वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस में टू अपॉन एक्स और यहां पर लग जाएगा डी एक्स, ठीक है। वाई कॉन्स्टेंट है तो वन अपॉन वाई तो बाहर हो गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का करना है और इधर से टू बाहर हो गया, वन अपॉन एक्स का करना है। अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मेरे को डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद है, माइनस का वन अपॉन एक्स होता है, आप वैसे एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन कर लेना, तो माइनस का वन अपॉन एक्स के हिसाब से ये बन गया और इधर टू लॉग एक्स बन गया, ये इक्वेशन नंबर हमारी फोर हो गई। नेक्स्ट स्टेप होता है एन माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई किसका, एम डी एक्स का, और इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन किया जाता है वाई के रेस्पेक्ट में, ये हम बहुत बार निकाल ही चुके हैं तो कोई खास बात नहीं है अपने लिए। तो एन एन है वन अपॉन एक्स वाई और माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, माइनस वन अपॉन वाई का होगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर बनेगा, इसका जीरो हो जाएगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमें क्लियर है कि यहाँ से एक्स वाली टर्म कटती ही है, कट गई है। माइनस का वन अपॉन वाई डी वाई मतलब माइनस का लॉग वाई, इक्वेशन नंबर फाइव। तो सॉल्यूशन क्या आएगा फाइनल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन वो आता है ये प्लस ये इक्वल में सी, तो बनेगा माइनस का वन अपॉन एक्स वाई प्लस में टू लॉग एक्स माइनस में लॉग वाई
इक्वल में कांस्टेंट सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं ये, ठीक है। सेकंड फॉर्मेट कंप्लीट है, थर्ड फॉर्मेट की तरफ आते हैं। देखिए देखिए, तीसरा फॉर्मेट है कि इस इक्वेशन में अगर हम ये एक्सप्रेशन निकालें, वन अपॉन एन और डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, और ये निकालने पर ये कोई एक्स का फंक्शन आ जाए, मतलब केवल एक्स में ही कुछ बचे, या फिर कांस्टेंट आ जाए, तो उस केस में आई एफ क्या लेंगे हम लोग, ई की पावर में एफ एक्स आ रहा हो भले ही कांस्टेंट आ रहा हो, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जो भी आ रहा है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, वही हमारे लिए आई एफ है, और फिर उस आई एफ से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। तो चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमारा बन गया एम, और ये हमारे लिए है एन। अब आप निकाल लो दो टर्म्स, कौन कौन सी, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। वाई के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4ay, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो ये बनेगा 2x माइनस 2ay। दोनों हमने निकाल लिया। इसके बाद में साफ साफ दिख रहा है हमारे को कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, मतलब फॉर्मेट में तो नहीं है, इक्वेशन वन तो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो चेक करें किस तरह का दिख रहा है ये, एक बार ये एक्सप्रेशन निकाल के देखें। पहली बात तो पहला क्वेश्चन भी बन रहा है ये, देखो होमोजीनियस फॉर्मेट में भी है, दो पावर दो पावर दो पावर और दो पावर, लेकिन होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस को मतलब उस फॉर्मेट से आप तब ना करें जब यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म इस तरह से दे रखी हो, ए बी सी डी इस तरह की कुछ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है उस केस में। तो उस केस में कभी कभी ये वाला काम आ जाता है, जैसे ये क्या आएगा, तो दोनों नॉट इक्वल टू है तो एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो अब हम एक बार ये एक्सप्रेशन निकाल के देखते हैं कि इससे क्या आंसर आता है, फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। तो एक्सप्रेशन है हमारा वन अपॉन एन और डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, और ये बनेगा वन अपॉन एन का मतलब है वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस टू ए वाई एक्स, डेल एम अपॉन डेल वाई है 3x माइनस 4ay, और माइनस करना है इसको तो 2x और प्लस हो जाएगा 2ay। क्या बन रहा है ऊपर, 3x में से x गया तो x बचा, ये बचेगा माइनस का 2ay, और नीचे हमारे पास इसमें से x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 2ay ये बन रहा है। एक फैक्टर तो कट गया, बचा क्या, 1/x। ये हम अगर ध्यान से देखें तो हमारा फंक्शन ऑफ x आ गया, मतलब ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है, इस फॉर्मेट में है। तो उसका क्या करना है, आगे आगे आई एफ निकाल लेना है। आई एफ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में है, आई एफ का फॉर्मूला है e की पावर में एफ एक्स डी एक्स, ये आई एफ निकलेगा। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा, e की पावर में 1/x डी एक्स, दैट मीन्स e की पावर में log x, और विच इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इक्वेशन टू से अब आई एफ से इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन नंबर वन इंटू आई एफ हमारा बनेगा फाइनली, देखो एक्स से मल्टीप्लाई करना है सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्टली मैं, 3x स्क्वायर वाई एक एक टर्म में माइनस का 2ax वाई स्क्वायर इंटू में dx और प्लस में एक्स क्यूब माइनस में 2a वाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई और इक्वल में जीरो, ये इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 3 हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गई है, आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस ये चेक कर लेना है कि ये वाला तो हमारे लिए हो गया m और ये हो गया हमारे लिए n, और दोनों टर्म्स निकाल लो, जो जो निकालते हैं हम लोग, एक तो निकालते हैं हम लोग m dx टेकिंग y कॉन्स्टेंट, तो वो बनेगा 3x स्क्वायर y माइनस 2ax y स्क्वायर इंटू में dx, क्या बनेगा ये 3y कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ से 2ay स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, x dx का इंटीग्रेशन होगा केवल, भाई y को तो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना है तो बाहर ले लिया मैंने। क्या आंसर बन रहा है इसका, नीचे कर लेते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कटेगा वाई एक्स क्यूब बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कटेगा ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, इक्वेशन नंबर ये हो गई 4। नेक्स्ट टर्म हमें निकालना होता है एन माइनस
पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई एम डी एक्स इंटीग्रेशन का, और इसका होल इंटीग्रेशन करना होता है हमें वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये निकालना है। एन एन का मतलब वो रहा एक्स क्यूब माइनस टू ए वाई एक्स स्क्वायर माइनस इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे इसका तो एक्स क्यूब बचेगा, और बाहर माइनस है इसलिए मैं सीधा प्लस ही लिख देता हूँ। इसका वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो टू ए वाई एक्स स्क्वायर, और ये तो क्लियर सी बात थी कि दोनों कटने वाले थे क्योंकि दोनों एक्स के टर्म्स थे, तो सारा कट गया, एक्स के टर्म्स सारे कटते ही हैं, आंसर इसका बनेगा जीरो। ये इक्वेशन नंबर फाइव है, दोनों को ऐड करके कॉन्स्टेंट सी के बराबर कर दो, तो ये बनेगा फाइनली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन। ये आएगा वाई एक्स क्यूब माइनस ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा फाइनल आंसर बना इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मेट कर लिया, फोर्थ फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही है थर्ड की तरह, बस यहां पर एन की जगह एम आ जाएगा, ये दोनों बदल जाएंगे, फंक्शन ऑफ वाई आएगा या कॉन्स्टेंट आएगा और आई एफ इसी तरह का बनेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए फोर्थ फॉर्मेट जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वन अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन डेल एम अपॉन डेल वाई, या तो फंक्शन ऑफ वाई आ जाए या कॉन्स्टेंट आ जाए, तो आई एफ अकॉर्डिंगली वाई वाले का इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा और इधर भी वाई के रिस्पेक्ट में ही चलेगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन से फॉर्मेट में है, ये किस तरह से आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें ये तो है एम और ये हमारे लिए है एन, तो इसमें डेल एम अपॉन डेल वाई निकलेगा, कितना आएगा ये 4y³ प्लस में 2, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकलेगा जो कि आएगा y³ ये 0 x के रिस्पेक्ट में ये 4। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, ये बात तो क्लियर है हमें, डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। वैसे यही समझ में आ जाता है कि कौन से फॉर्मेट से करना है, फॉर्मेट फोर से करना है कि थ्री से करना है, दोनों को यहीं पे माइनस करके देख लिया करो, वाई बचेगा केवल, एक्स तो है नहीं, केवल वाई बच रहा है मतलब फोर्थ फॉर्मेट है, और इन दोनों को माइनस करने पर अगर केवल एक्स बच रहा होता तो थर्ड फॉर्मेट है, ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप ये टर्म निकाल लेना, ये टर्म निकालोगे तो यहाँ पर हमें निकालना है वन अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, यहाँ वैल्यू रखें तो ये बन रहा है एम, एम मतलब y की पावर 4 प्लस में 2y और ब्रैकेट में डेल एन अपॉन डेल एक्स मतलब y³ माइनस 4 माइनस में ये टर्म मतलब 4y³ और माइनस में 2, तो ये ऊपर कितना बन रहा है माइनस का 3y³ और माइनस का 6 और नीचे है y की पावर 4 प्लस में 2y, ऊपर कॉमन आ रहा है माइनस का 3 और ये बचेगा y³ प्लस 2 और नीचे कॉमन आ रहा है y और ये बचेगा y³ प्लस 2, y³ प्लस 2 से y³ प्लस 2 कट जाएगा, माइनस का 3 अपॉन y बचेगा, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी आ गई। फंक्शन ऑफ y आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है फंक्शन ऑफ y है, मैं इसको लिख भी देता हूँ कि ये हमारा फंक्शन ऑफ y आया है। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो हम आई एफ निकालें, आई एफ का फॉर्मूला हमारे पास है e की पावर में एफ ऑफ वाई डी वाई, कितना आएगा ये बनेगा e की पावर में माइनस का 3 अपॉन वाई और ये डी वाई, e की पावर में माइनस 3 और ये बन जाएगा लॉग वाई, तो ये e की पावर में लॉग वाई की पावर माइनस 3, दैट मीन्स वाई की पावर माइनस 3 बचा मतलब 1 अपॉन वाई क्यूब बचा, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, ये हमारे काम की टर्म आई। अब हमें क्या करना है, आई एफ से मल्टीप्लाई कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 को, यहीं कर देता हूँ मैं, इक्वेशन वन इंटू आई एफ कर रहे हैं तो क्या बनेगा वाई क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा वाई प्लस टू अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स और प्लस में यहाँ से वाई क्यूब से डिवाइड दोगे तो एक्स प्लस में टू वाई और माइनस में फोर एक्स अपॉन में वाई क्यूब और ये डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। फाइनली इक्वेशन नंबर 3 तक हम पहुंच गए हैं, तो ये फाइनली m हो गया, ये हमारा n हो गया, मैं लिख भी देता हूँ एक बार, ये हमारे लिए m है और ये पूरा हमारे लिए n है, तो क्या बनेगा
सबसे पहले निकालेंगे एम डी एक्स टेकिंग वाई कॉन्स्टेंट, ये बनेगा वाई प्लस टू अपॉन वाई स्क्वायर और ये डी एक्स पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट ही है तो पूरा का पूरा ही बाहर आएगा, ये तो सिर्फ वाई में ही है, केवल डी एक्स का कर देंगे एक्स, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस टू अपॉन वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फोर। सेम ऐसे ही दूसरा टर्म जो था एन माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था इसी टर्म का, और ओवरऑल यहाँ पर हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, तो ये बनेगा n, n है हमारा x प्लस टू वाई माइनस फोर एक्स अपॉन में y क्यूब माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो आएगा देखो x तो एज इट इज, y के रिस्पेक्ट में ये हो गया वन और ये हो जाएगा माइनस का फोर अपॉन वाई क्यूब इसका डिफरेंशिएशन, और ये ओवरऑल इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, x वाली जो भी टर्म्स है हमेशा कटती हैं वो कटेगी यहाँ से, x प्लस टू वाई माइनस में फोर एक्स अपॉन वाई क्यूब और माइनस में x और प्लस में फोर अपॉन वाई क्यूब, ये x कहाँ गया, अच्छा ये x इधर आएगा और ये हो गया डी वाई, इंटीग्रेशन कट जाएगा सब कुछ, बचेगा सिर्फ टू वाई और ये डी वाई जो कि वाई स्क्वायर बनेगा, इक्वेशन नंबर हमारी फाइव आ गई। तो सॉल्यूशन फाइनली क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन ये हमारा बनेगा एक्स वाई प्लस टू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से चार फॉर्मेट्स हमने कर लिए हैं, अब पांचवा थोड़ा सा बड़ा है इनसे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा ध्यान देने वाला भी है, समझने का भी है। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है बाकी सभी से, इसमें आईएफ हमें बनाना पड़ेगा क्वेश्चन से, हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे फॉर्मूले से। देखो क्या फॉर्मेट है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो कैन बी पुट इन द फॉलोइंग फॉर्म, इस तरह का फॉर्मेट अगर बन पाए यहां से, कैसे, एक्स और वाई जितने भी कॉमन आ सकते हैं वो कॉमन ले लो, अंदर dx के साथ सिर्फ y बचे और dy के साथ सिर्फ x बचे, यहां भी dx के साथ y और dy के साथ x बचे, x और y सब कॉमन लेने के बाद में भले ही कॉन्स्टेंट सब आगे अलग अलग हों, x की y की पावर्स अलग अलग हों वो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो फिर if हम अज्यूम करते हैं x की पावर h y की पावर k, जहां पर h और k भी कोई कॉन्स्टेंट ही है जो हमें क्वेश्चन से निकालने हैं, कैसे कि हम ये आई एफ अज्यूम कर लेंगे और फिर उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये अब एग्जैक्ट फॉर्मेट में आ गई है, और आ गई है तो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल होंगे, और उस इक्वल होने के कारण एच और के निकाल पाएंगे हम लोग और फिर फाइनल आई एफ हमें मिलेगा और फिर आगे एग्जैक्ट फॉर्मेट में होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, एक बार शुरू करते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये है हमारा एम और ये है हमारा n, m और n हमारे पास है, तो सबसे पहले तो डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे और फिर डेल n अपॉन डेल x, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3y स्क्वायर है माइनस में 2x स्क्वायर है, और डेल n अपॉन डेल x निकालो तो 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू है डेल n अपॉन डेल x के, तो फॉर्मेट में तो नहीं है। अब इस फॉर्मेट में चेक करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा हेरफेर करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर वन को, किस तरह से, कैसे पता चले कि इस फॉर्मेट में, देखो यहां पर आप इसको वाई क्यूब डी एक्स माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में टू एक्स वाई स्क्वायर डी वाई माइनस में एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो। एक छोटी सी बात पहले मैं बता दूं आपको कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में मैं करवा रहा हूं उसी फॉर्मेट में हो, इकलौते उसी फॉर्मेट में, और दूसरे फॉर्मेट्स भी उसमें फिट हो सकते हैं या और दूसरे मेथड्स एग्जैक्ट के अलावा भी उसमें फिट हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि दूसरे मेथड से थोड़ा सा लंबा पड़ता है तो हम उन दूसरे मतलब अलग मेथड्स का यूज लेते हैं जिससे छोटा हो जाए क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन कई सारे मेथड्स से या कई सारे फॉर्मेट्स से पॉसिबल है, किया जा सकता है, ये वैसे तो होमोजीनियस फॉर्मेट ही है, होमोजीनियस से अगर आसान हो रहा हो तो होमोजीनियस से कर लेना, नहीं तो इस वाले से कर लो, आंसर सेम आता है हमेशा लास्ट में, ठीक है। तो फिलहाल हम ये वाला मेथड सीख रहे हैं तो हमने ये एग्जांपल लिया है, देखो आगे बढ़ते हैं। डी एक्स हमें
dx और dy इस तरह से चाहिए होते हैं, तो यहां से आप इसमें और इसमें इसको साथ में लिख लो, फॉर्मेट बन जाएगा। अभी देखो ये dx प्लस में 2xy स्क्वायर और ये dy और ये दोनों साथ में, तो माइनस का 2yx स्क्वायर dx और माइनस में x क्यूब dy और इक्वल में 0। तो ये हमारा बनेगा y स्क्वायर कॉमन आने के बाद y dx प्लस में 2x dy और यहां से माइनस में 2x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, अगेन y dx प्लस में x dy इक्वल में 0। अब आप नोटिस करोगे फॉर्मेट में आ गया, dx के साथ y है, dy के साथ x है, कांस्टेंट कुछ भी उससे मतलब नहीं है, फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मेट फिफ्थ है, ये बात बस क्लियर हो गई। इतना काम वैसे कुछ आगे काम नहीं आएगा ये जो हमने किया है, बस ये फॉर्मेट पहचानने के लिए हमने हेर फेर करी है ताकि हमें पता चल जाए कि if हम यूज लेंगे x की पावर h इंटू वाई की पावर k, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। इतना कोई काम का नहीं है, सीधा आप काम में ये आएगी इक्वेशन क्योंकि if से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये केवल फॉर्मेट पहचानने के लिए हमने ये तीन लाइनें लिखी है। तो अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 इंटू if होगा तो क्या बनेगा, यहां से देखो x की पावर h इंटू वाई की पावर k से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई क्यूब माइनस 2yx स्क्वायर इंटू में dx प्लस में इधर भी x की पावर h y की पावर k से मल्टीप्लाई कर दिया 2xy स्क्वायर माइनस में x क्यूब dy। h और k हमें निकालना है, कैसे निकालना है वो हम सीख रहे हैं। देखो ये अब एग्जैक्ट फॉर्मेट में आ गई क्योंकि हमने if से मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद आती है, हमने उसके बाद चेक नहीं किया कभी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, यहां जरूरत पड़ेगी। h और k निकालने के लिए हमें डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x निकालना पड़ेगा यहां से और दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, उससे h और k निकलेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, तो ये बन जाएगा x की पावर h y की पावर k प्लस 3 माइनस में 2 और x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k प्लस 1 इंटू में dx हो रहा है, प्लस में इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर h प्लस 1 और y की पावर k प्लस 2 माइनस में x की पावर h प्लस 3 और y की पावर k इंटू में dy और इक्वल में 0, ये बन रहा है हमारा। अब यहां पर ये हमारा पहला वाला तो हो गया m, ये हमारा m हो गया और ये हमारे लिए हो जाएगा n, m और n अब हमारे पास में है। तो सबसे पहला काम तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लो, वाई के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर एच तो बाहर, ये हो जाएगा के प्लस 3 इंटू में वाई की पावर के प्लस 2 माइनस में 2 और एक्स की पावर एच प्लस 2 तो एज इट इज है, वाई की पावर के प्लस 1 का करोगे तो के प्लस 1 और वाई की पावर के रह गया। सेम ऐसे ही डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लो, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करो तो ये बनेगा 2 टाइम्स h प्लस 1, 2 टाइम्स h प्लस 1 x की पावर h और y की पावर हो जाएगा k प्लस 2 माइनस में h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k, ये हमारा दूसरा आ गया। दोनों को इक्वल करोगे सिंस इक्वेशन नंबर, इसको नाम दो आप 3, ये 3 नंबर इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 इज इन द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट, देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल आएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ये दोनों इक्वल आएंगे तो मैं यहाँ पर इतना लंबा लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट देख लो आप, इक्वल आएंगे तो लिखना थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा, लिख देता हूँ। देखो के प्लस 3 इंटू में एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस 2 माइनस में 2 टाइम्स k प्लस 1 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k इक्वल है 2 टाइम्स h प्लस 1 x की पावर h और y की पावर k प्लस 2 माइनस में h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k, ठीक है। देखो कंपेयर करो, अब कंपेयर मतलब ये पावर इधर भी है और ये इधर भी है तो इनके कोफिशेंट्स इक्वल आएंगे, मतलब k प्लस 3 जो है वो इक्वल होगा 2 टाइम्स h प्लस 1 के, और साथ में ये टर्म और ये टर्म भी सेम दिख रही है
तो इसके कोफिशियंट जो है माइनस का 2 इंटू के प्लस 1 इक्वल आएगा माइनस का एच प्लस 3 के। एच और के में दो इक्वेशंस बन गई इजीली, जिसको सॉल्व करने पर एच और के की वैल्यूज आ जाएंगी। मैं एक बार ये हटाता हूँ और फिर यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो देखो ये इक्वेशन तो थोड़ा सा तो यहाँ पर कर ही लेते हैं अपन, के प्लस 3 इक्वल आएगा 2h प्लस 2k, और यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2k प्लस 2 इक्वल है के एच प्लस 3k। यहाँ से k कितना आ रहा है, k यहाँ से मिल रहा है हमें 2h माइनस 1, और ये k की वैल्यू उठा करके दूसरे में रखेंगे अपन जो कि है 2k इज इक्वल टू एच प्लस 1 में, तो ये 4h माइनस 2 इज इक्वल टू एच प्लस 1, 3h इज इक्वल टू 3, एच की वैल्यू 1 आ जाएगी और अकॉर्डिंगली एच की वैल्यू 1 रखने पर k की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। एच और k अगर आपको 1 मिल गया है तो वो जो इक्वेशन यहाँ बनी थी जो मैंने मिटा दी, इक्वेशन नंबर थी वो 3 थी, उसमें एच और के की वैल्यू रख दो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो देखो क्या बनेगा। ये मैंने इक्वेशन 3 वापस लिख दी है क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई नहीं थी, तो मैंने देख करके लिख दिया, बाकी सब हटा दिया है। इसमें अब एच और के की वैल्यूज रख दो आप, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी जो एग्जैक्ट फॉर्मेट में होगी। तो एक्स की पावर 1 वाई की पावर 4 माइनस 2 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2 इंटू में डी एक्स प्लस में ये बनेगा 2 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 माइनस में एक्स की पावर 4 वाई की पावर 1 और साथ में डी वाई इक्वल में 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, ये फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में है। तो ये हमारा उस केस में हो गया m और ये हमारा उस केस में हो गया n। अब आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो m dx का इंटीग्रेशन टेकिंग y कांस्टेंट, तो ये आएगा देखो x y क्यूब y की पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, वाई को कांस्टेंट की तरह लेना है तो यहाँ पर y की पावर 4 बाहर आ जाएगा, सिर्फ x dx बचेगा और यहाँ 2y स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x क्यूब और ये dx बचेगा। ये हो गया y की पावर 4 x स्क्वायर बाई 2 माइनस में y स्क्वायर x की पावर 4 बाई 2, 4 से 2 कट गया। इक्वेशन नंबर ये है 5। अब दूसरी टर्म क्या निकालनी होती है, दूसरी टर्म हमें निकालनी होती है n माइनस पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन m dx और होल इंटीग्रेशन हम करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना बनेगा, n का मतलब है ये वाली टर्म 2x स्क्वायर y क्यूब माइनस x की पावर 4 y, दोनों में ही x दिख रहा है, x तो कटते ही हैं तो ये दोनों कटेंगे, जाहिर सी बात है। देखो करके देखते हैं, y के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो 4y क्यूब x स्क्वायर, 4 से 2 कटेगा तो 2y क्यूब x स्क्वायर बचेगा, तो 2y क्यूब x स्क्वायर और माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस में, इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे 2y, 2 से 2 कट गया, y x की पावर 4 बचेगा। आप नोटिस करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, जीरो हो रहा है। इक्वेशन नंबर ये हमारी 6 आ रही है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आएगा ये प्लस ये इक्वल में कांस्टेंट, तो y की पावर 4 x स्क्वायर बाई 2 माइनस में y की पावर 2 x की पावर 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट c। 2 को भी उधर ले जाओ तो ये बनेगा y की पावर 4 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x की पावर 4 इज इक्वल टू 2c, 2c को नया कांस्टेंट d नाम दे दो ज्यादा ज्यादा, और ये आंसर आ जाएगा फाइनली। तो ये थे तरीके पांचों फॉर्मेट को कैलकुलेट करने के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रिड्यूसिबल फॉर्मेट में। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करने के जितने भी मेथड पॉसिबल हैं वो सभी कर लिए हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्रीज को हम सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे और फिर और आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के नोट्स आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे, पूरी की पूरी बुक की पीडीएफ या बुक के नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन कलरफुल नोट्स, तो वो आप व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करके ले लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।